जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश दुबे नेशन फर्स्ट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं चाइना और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। और जो भी मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो भी इस समय देख रहा है, उसने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ जरूर जी होगी। और उसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादें भी साथ में पढ़ती हैं हम लोगों के। आप लोग की भी बैच में रही होंगी, देखे होंगे। बैच में नहीं रही होंगी तो स्कूल में जरूर ऐसे उदाहरण रहे होंगे कि घर से पैसा लाते हैं, खूब उड़ाते हैं, पढ़ाते हैं, खर्चा करते हैं, आवारागर्दी भी करते हैं, मारपीट करते हैं, मतलब कि पूरे अवगुणों से परिपूर्ण होते हैं वो। सेम सेम वही अभी हालत पाकिस्तान की हो गई है, अभी क्या पहले से ही थी। और एक चीज और आपने केयर किया होगा, जब वो बच्चा ऐसा करता है तो उसका एक ताकतवर दोस्त बनता है जो उसके साथ में उसके पैसे को खाता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सेम सेम वो चाइना रोल प्ले कर रहा है। धीरे धीरे जब उस बच्चे की आदतें और बिगड़ती हैं, थोड़ा और आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे खाने पीने की भी आदतें बढ़ती हैं, बुरे शौक भी शुरू हो जाते हैं। वही हालत पाकिस्तान की भी हुई, धीरे धीरे उसकी आदतें और खराब हुई और सिर्फ अपने बाप से जलने की वजह से, और कुछ नहीं। और बाप कभी बेटे का बुरा नहीं चाहता। मैं जहां तक जानता हूं कि भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान का बुरा पहले चाहा ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी बाप की प्रॉपर्टी होती है वो बेचना शुरू करता है, जैसा कि उसने पीओके में कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया। सेम सेम वही वही कहानी है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मतलब पे टिकी हुई है। जिस दिन हम पीओके लेंगे, चाइना अपने आप हाथ उठाएगा, हमसे सुलह करेगा, और जो इस हिस्से पे उसने कब्जा किया हुआ है आज के डेट में, बातचीत से उसका रास्ता निकालेगा। यही होने वाला है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना कभी नहीं लड़ेगा क्योंकि वो बिजनेसमैन देश है। वो देख लीजिए आप कहीं पर भी, उसकी दो ही नीतियां होती हैं। पहला तो अपना धंधा फैलाओ, अपना व्यापार फैलाओ, और दूसरा हड़प नीति, जो कि अब पॉसिबल नहीं है भारत के साथ, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, खास करके जब तक हमारे देश के नेता मोदी जी जैसे हैं। कांग्रेस रहती तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कड़ी निंदा करके ही शांत हो जाती। और फिर मैं बोलना चाहता हूं कि अभी मोदी जी यूएस गए हुए हैं, कल हाउडी मोदी का भी प्रोग्राम हुआ, उसमें मोदी जी ने बोला कि अब आ गया है वो वक्त कि जब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए आतंकवाद के लिए। और ट्रंप ने भी यही चीज कही। अब मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं, पीओके हमारा वापस आने वाला है, अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हाँ, 27 तारीख की जो मीटिंगें होंगी उस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान इमरान खान हाथ उठा के सरेंडर वहाँ पे कर दें तो शायद पाकिस्तान का वजूद बच जाए, वरना पैदा भी हम ही ने किया, अब लगता है उसका अंत भी हम ही लोगों को करना है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जैसा कि बोला कल मोदी जी ने, चाहे वो 26/11 रहा हो, चाहे 9/11 रहा हो, सबकी जड़ें वहीं पर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज के भी डेट में देखेंगे दुनिया के किसी भी देश में आतंकवाद अगर है तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर जाकर आपको जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये किसी भी देश से छुपा हुआ नहीं है, जबकि पहले भी ऐसा था, लेकिन हमारी सरकारों ने इसको, उस मुद्दे को उतने बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने उठाया नहीं, वरना पाकिस्तान कभी का एक्सपोज हो गया होता और पाकिस्तान शायद अब तक खत्म हो गया होता। ऐसा नहीं मैं बोलता कि तब नेता नहीं थे, नेता थे, अच्छे नेता थे, काफी अनुभवी थे, काफी माइंडेड थे,
लेकिन ज्ञान का भंडार आप रख करके क्या करेंगे जब चुपचाप मौन बैठे रहेंगे एक जगह, बताइए उसका क्या फायदा है? अगर आपका टीचर बहुत ही ब्रिलियंट हो, आकर वो बस क्लास में हाथ मूंद के बैठा रहे तो क्या फायदा है? यही देखिए, मोदी जी गए हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने उतनी सारी स्पीच दी, अगर वो इसी जगह पर आप कल्पना करिए मनमोहन सिंह जी गए होते तो क्या करते, वो कैसी स्पीच देते? ऐसा मैं नहीं बोलता कि मनमोहन सिंह जी गलत थे प्रधानमंत्री, नहीं, अच्छे थे, लेकिन उस ज्ञान के भंडार का क्या लाभ है जब देश को उसका फायदा ही ना मिले? और जब से कल से हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ है, मैं न्यूज चैनलों पे डिबेट में देख रहा हूँ कि भारतीयों की इज्जत जो देश के बाहर बढ़ी है विदेशों में, बहुत सारे लोग जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, यही बोल रहे हैं कि क्या इसके पहले सीईओ नहीं थे, जो 2014 से पहले क्या सत्तम नडेला नहीं थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम लिए जो आज भी हैं। हाँ सही बात है, तब भी थे, आज भी हैं, अब वो अपने मेहनत से वहाँ पर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही तब ने सरकारों ने उनका उस जगह पे पहुंचाने के लिए सपोर्ट किया था, ना अब की ही कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो इज्जत उनको क्यों नहीं दी गई जो आज वो पा रहे हैं इस देश से, क्यों नहीं दी गई भाई? किसकी जिम्मेदारी थी? अगर वो सफल बिजनेसमैन उस देश के अंदर हैं तो अपनी वजह से है ना, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं वो? अगर वो करते हैं तो क्या उनको इज्जत देना गुनाह है क्या? इसके पहले आप लोग क्यों नहीं दिए भाई? इस तरह लाइट में भारत को क्यों नहीं ला पाए? ऐसा नहीं था, किसकी जिम्मेदारी थी आप बताइए? वोट डालने के लिए वो एनआरआई इस देश में आते हैं, अपना पैसा खर्च करके, अपना समय बर्बाद करके क्यों आते हैं? क्या वो मूर्ख हैं? उनको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं मालूम है? आज तक कितने आए थे? देश की इज्जत है वो, यहीं पे भी रहते हैं, एक पहचान होती है, और उस चीज को मैंने अनुभव किया है, मैं भी देश के बाहर गया था, वहां जाने के बाद एक पहचान होती है, देश की एक इज्जत होती है जो हमारे कर्मों से बढ़ती और घटती है, और जो चीज भारतीयों ने बाहर में जाकर के कमाई है वो हमारे ही देश से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेशी कभी नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूं, विरोध करिए, मोदी जी का करिए, किसी का भी करिए, मेरा भी करिए, लेकिन देश का नुकसान बिल्कुल मत करिए। मोदी जी अभी देश से बाहर गए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इज्जत देना सीखिए। मोदी जी ऐसा बोले, मोदी जी वैसा बोले, अरे जो मोदी जी बोले उसका साथ अभी दो, जब आएंगे देश में तो उसका हिसाब करना आप लोग, ये तो आपकी आदत है कि अच्छे कर्मों को हमेशा बायकॉट करते हो। आप खुद सोचिए क्या वजह थी कि आप 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद भी दूसरी सरकार बनी, उससे भी ज्यादा बहुमत से बनी, और आप उससे भी ज्यादा कम पे गए, क्या वजह थी? पहले खुद की कमियों को देखिए तभी आप ताकतवर बन सकते हैं, उन कमियों को आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और विलुप्त हो जाएंगे अगर ऐसे ही करते रहेंगे। आपके प्रवक्ता जब बोलते हैं टीवियों पे, मुझे सुन के बहुत ही, आप समझ सकते हैं, आप लोग अब हाशिए पर जा रहे हैं, कृपया करके विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर आईने को भी अपना चेहरा देखना होता है तो दूसरे आईने की जरूरत पड़ती है, इसलिए विपक्ष का रहना देश के अंदर बहुत जरूरी है, और ताकतवर विपक्ष का रहना जरूरी है। आप लोग अपनी शक्तियों को ख़त्म कर रहे हैं ऐसे बातें करके, ऐसे तर्क और वितर्क में,
जहां देश का साथ देना है वहां देश का साथ दीजिए। अगर विपक्ष में है तो जब विपक्ष में अटल जी थे तो उनकी स्पीचों को सुनिए कि उन्होंने आपको देश के बाहर कितना साथ दिया था। आपको सीखना चाहिए जो आज पक्ष में है, जब वो विपक्ष में था तो क्या था आपके साथ, आज जब आप विपक्ष में है तो आप क्या कर रहे हैं उनके साथ। देश का साथ दीजिए, देश का विकास कीजिए। और ऐसे बयानों से आपके पड़ोसी जो है हमारा, उसको एक बल मिलता है, एक साहस बढ़ता है। देश विरोधी बातें कृपया मत कीजिए, देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ रहना है, हमको साथ में रहना है। ऐसी बातें करके विरोधाभासी चीज़ें बिल्कुल मत पैदा करिए। मैं इसी बात पर बातों को अपनी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले क्लिप में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।